बड़नगर तहसील की झलारिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने गंभीर महामारी कोरोना वायरस के दौरान बेहतर तरीके से उपचार करने वाले और लोगों की मदद करने वाले गुप्ता हॉस्पिटल बड़नगर के डॉक्टरों का गांव में बुलाकर किया सम्मान। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के झलारिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने गंभीर महामारी कोरोना वायरस के दौरान बेहतर तरीके से काम करने वाले और लोगों की मदद करने वाले सही तरीके से उपचार करने वाले गुप्ता हॉस्पिटल बड़नगर के डॉक्टरों का साल श्रीफल और साफा बांधकर सम्मान किया, पुष्पमालाएं पहनाई और उनके द्वारा बेहतर काम किए गए ग्रामीणों ने डॉक्टरों का सम्मान किया। पुष्पमाला पहनाकर गांव के ग्रामीण अनवर कप्तान का कहना है कि गर्मी के दौरान जहां गंभीर महामारी कोरोना वायरस का जमकर असर था और लोग परेशान थे, ऐसे दौर में हमारे गांव के लोगों का और झलारिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का सही तरीके से उपचार किया, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा और दुख की घड़ी में भरपूर साथ दिया। इन डॉक्टरों का इसलिए हम सभी ग्रामीणों ने इन डॉक्टरों का आज हमारे गांव में सम्मान किया है। ग्रामीणों के द्वारा सम्मान पाकर डॉक्टर भी बेहद खुश हुए और कहा कि हमने हमारी कोशिश की और आगे भी ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद हम लोग करते रहेंगे। डॉक्टरों के सम्मान समारोह के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। बड़नगर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। ये झलारिया गांव है और बड़नगर तहसील माता है, तो डॉक्टर साहब का स्वागत इसलिए करा के जो कोरोना महामारी के चलते जो समस्या आई थी उन काफ़ी झलारिया वालों को काफ़ी बड़नगर के आसपास के सभी लोगों का इलाज अच्छे से करा और तो टाइम से उन्होंने संभाला, तो इसलिए हमारी जो टीम है या गांव वाले जो सभी लोग हैं अनवर साहब कप्तान फकरू भाई और जो गाँव वाले जो भी है अजी साहब करके इन्होंने सबके मिल के यहाँ डॉक्टर साहब का सम्मान करा, इसलिए उन्होंने सम्मान कराया। नहीं मैं तो सबसे पहले तो कप्तान साहब सरपंच साहब और पप्पू भाई का मैं धन्यवाद करूँगा। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने में भी और सभी का कुल मिला के सहयोग रहा है और हमने भी पूरी कोशिश करी यहाँ पर जितने भी मरीज का उपचार कर सके बड़नगर में। थोड़ी समस्या जरूर यही कि हमें कुछ मरीजों को मना भी करना होगा और बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी के कारण, पर हमने पूरा कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का उपचार करें। डॉक्टर साहब आपके जीवन में ये क्षण कैसा रहा और क्या किस प्रकार से यहाँ कैसा लगा? यहाँ पर ऐसा पहली बार देखता हूँ शायद डॉक्टरी लाइफ में, तो पहली बार मौका पड़ा ऐसा इतने मरीज को देखने का